बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। अब नजरें डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। शहर में लंबे समय बाद अपराधियों ने सड़क पर नोट गिराकर उनकी ओर अपने शिकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार में रखे 7 लाख रुपयों से भरी बैग उड़ाने में कामयाबी पा ली। ये वारदात सीतावड़ी थाना अंतर्गत शुक्रवार की दोपहर के समय लोकमत चौक के पास खड़ी कार के ड्राइवर के साथ घटी। अपराधियों ने कार के समेत 10-10 रुपए के नोट गिराए और ड्राइवर को सड़क पर नोट गिरे होने की जानकारी दी। जैसे ही ड्राइवर नीचे गिरे नोट उठाने में मशगूल हुआ, अपराधियों ने कार में रखी नोटों से भरी बैग उड़ा ली। पेशे से ठेकेदार वासुदेव जामधानी रहाटे कॉलोनी निवासी है और अपने बेटे को डॉक्टर गोहेकर के यहाँ दिखाने के लिए गए हुए थे। वारदात के समय अन्य ठेकेदारों को पेमेंट देने के लिए उन्होंने बैग में 7 लाख रुपए की रकम रखी हुई थी। बैग उनकी कार के सामने वाली सीट पर रखा था। जामधानी जब अपने बेटे को लेकर डॉक्टर गोहेकर के यहाँ पहुँचे तो उनका ड्राइवर कार लेकर जनता चौक पर ही खड़ा था। तभी एक युवक आया और ड्राइवर से कहा कि शायद उनके कुछ रुपए नीचे गिर गए हैं। ड्राइवर ने देखा तो सड़क पर उसे 10-10 रुपए के कुछ नोट दिखाई दिए। वह नोट उठाने के लिए कार से बाहर निकला और नोट उठाने लगा। उसे कुल 7 नोट मिले। इसी बीच एक अन्य युवक ने सीट पर रखा बैग निकाल लिया। बैग में 7 लाख रुपए की नगद के अलावा लैपटॉप, ठेकों से जुड़े कुछ जरूरी कागजात और चाबियां थी। जामधानी जब वापस लौटे तो उन्हें बैग नहीं दिखा, तब जाकर चोरी का पता चला। आनन फानन में पुलिस को सूचित किया। दिन दहाड़े 7 लाख रुपए की बैग लिफ्टिंग की जानकारी मिलते ही सीतावड़ी थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मामला दर्ज होते ही CCTV रिकॉर्डिंग जांची गई तो 2 युवक बैग लिफ्टिंग करते दिखाई दिए। अब आरोपियों की तलाश शुरू हो गई है। गांधी सागर तालाब के विकास और सौंदर्यकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुदान मनपा को दिया गया है। अब नागपुर मनपा महाराष्ट्र सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक गांधी सागर तालाब का सौंदर्यकरण होना है। इस सौंदर्यकरण के प्रस्तावित कार्य का प्रेजेंटेशन महापौर दयाशंकर तिवारी के समक्ष किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रवीण दटके, सत्तारूढ़ दल के नेता अविनाश ठाकरे, अधीक्षण अभियंता मनोज तालेवार, कार्यपालक अभियंता डॉक्टर श्वेता बैनर्जी आदि उपस्थित थे। ध्रुव कंसल्टेंसी कंपनी के आर्किटेक्ट संदीप जोशी ने कहा कि तालाब के सभी हिस्सों सौंदर्यकरण होना चाहिए। यहाँ पैदल मार्ग, शौचालय, पीने के लिए पानी आदि व्यवस्था होगी। तालाब के केंद्र में आकर्षक फव्वारे लगाए जाएंगे। मनोरंजन के लिए बाल भवन के पास बड़ी इमारत निर्मित की जाने वाली है। तालाब के बीच में स्थित गार्डन में जाने के लिए पुल का निर्माण किया जाएगा। तालाब में से कीचड़ भी हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ एक अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। गांधी सागर तालाब नागपुर की विरासत है। इस प्राचीन वास्तुकला को संरक्षित करने तालाब का विकास कार्य व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार से 12 करोड़ रुपए और नागपुर नगर निगम से 2.90 करोड़ रुपए अनुदान का प्रावधान विकास कार्यों के लिए किया गया है। यह विकास कार्य एक बार पूरा होने के बाद ऐतिहासिक झील को संरक्षित किया जाएगा। साथ ही इसके सौंदर्यकरण के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक भी आएंगे, ऐसा विश्वास महापौर दयाशंकर तिवारी ने जताया है। शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के नेतृत्व में शहर पुलिस अपराधियों के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई के लिए हमेशा चर्चा में रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से सिटी पुलिस की मानवता की झलक भी देखने को मिल रही है।
एक दिन पहले सीताबड़ी जोन में ट्रैफिक विभाग की एसीपी अजय मालवीय द्वारा ऑटो चालक का चालान अपनी जेब से भरकर उनके मासूम बच्चे के गुल्लक की बचत लौटाए जाने की घटना चर्चा का विषय बनी थी। अब शुक्रवार को जोन 3 के डीसीपी लोहित मतानी द्वारा एक बेरोजगार महिला गोरेवाड़ा निवासी मीरा दास को भीम चौक पर फूड स्टॉल शुरू करवाने की घटना ने शहर पुलिस का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मीरा अपने 22 वर्षीय बेटे के साथ गोरेवाड़ा परिसर में किराए से रहती है। उसकी दो बेटियां भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। कुछ वर्ष पहले एक बस चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी जिससे उनका दायां पैर फ्रैक्चर हो गया। करीब एक वर्ष तक वह बिस्तर पर ही पड़ी रही। बेटे का सहयोग नहीं मिलने से उसने एक होटल में काम शुरू कर दिया, लेकिन पैर में चोट आने से वह ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती थी। इससे होटल मालिक उसे बार बार डांटता था। एक दिन इस होटल से भी उसका काम छूट गया और वह बेरोजगार हो गई। मीरा की बहन डीसीपी मतानी के यहाँ काम करती है। एक दिन उसने मीरा की कहानी डीसीपी मतानी की पत्नी मंजीत कौर को सुनाई। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने डीसीपी मतानी से मीरा को कोई काम दिलाने की सिफारिश की। डीसीपी मतानी इस नेक काम के लिए तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने भीम चौक पर मीरा के लिए फूड स्टॉल लगवा दिया। खास बात है कि मीरा ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए स्टॉल के पोस्टर पर डीसीपी मतानी और उनके परिवार की तस्वीर भी लगाई। जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में डीसीपी मतानी और उनकी पत्नी मंजीत के मानवीय कार्य की चर्चा शुरू हो गई। उल्लेखनीय है कि पुलिस की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत डीसीपी मतानी ने अपने क्षेत्र में एक योजना शुरू की है जिसमें बेसहारा और बेरोजगार होने से काम पाने की इच्छुक महिलाओं को रोजगार दिलाया जाता है। डीसीपी मतानी द्वारा एनजीओ की मदद से अभी तक 8 महिलाओं व 2 युवकों को रोजगार दिलाया गया है। खास बात है कि इनमें से 2 युवकों पर अपराध भी दर्ज है, लेकिन पुलिस द्वारा रोजगार दिलाने से वे अब मेहनत की कमाई कर रहे हैं। यात्री के मोबाइल को चुराने वाले चोर को मात्र 14 मिनट में रेलवे स्टेशन के बाहर से पकड़ कर लाने का कमाल रेलवे सुरक्षा बल ने कर दिखाया है। आरोपी ग्वालियर मध्य प्रदेश के मुरार मीरानगर का निवासी सोनू चेतराम वर्मा है। उसके पास से चुराए गए कुल 35,000 रुपए कीमत के 2 मोबाइल भी बरामद किए गए। सोलापुर निवासी अनिल पांडुरंग मद ने शुक्रवार को सुबह 8 बजे आरपीएफ थाने में पहुंचे। इस समय मॉर्निंग ड्यूटी शुरू ही हो रही थी। उन्होंने बताया कि करीब आधे घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर हॉल से किसी ने उनका मोबाइल चुरा लिया। मोबाइल की कीमत 20,000 रुपए है। ड्यूटी पर पहुंचे सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में तैनात भूपेंद्र भात्री ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की तो आरोपी सोनू चोरी करता दिखाई दिया। बाकी कैमरों से निगरानी शुरू की तो सोनू स्टेशन के ठीक बाहरी टेकड़ी रोड पर घूमता दिखाई दिया। पता चलते ही भात्री ने अपने वरिष्ठों को जानकारी दी और पीएलटी टीम के सुरेश दुलगज्त तथा जनार्दन की मदद से सोनू को टेकड़ी रोड से लगी स्टेशन की दीवार के पास से पकड़कर थाने ले आए। इस समय तक मात्र 8:15 बजे थे, यानी मात्र 14 मिनट आरपीएफ ने आरोपी को धर दबोच लिया। उसकी तलाशी लेने पर फरियादी अनिल के मोबाइल के अलावा एक और मोबाइल मिला। कड़ी पूछताछ करने पर बताया कि उसने वह मोबाइल ट्रेन में झांसी स्टेशन से चुराया था। सोनू ने बड़े शातिरान तरीके से दोनों मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। पकड़े जाने के बाद उसके पास से मिला दूसरा मोबाइल शुरू किया गया तो तुरंत एक कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम सुरेश चंद बताया और वह सीआरपीएफ हैदराबाद में नियुक्त है। उन्होंने बताया कि यह मोबाइल उनके बड़े भाई का है जो झांसी स्टेशन से चोरी हो गया था। उचित कागजी कार्रवाई के बाद मामला लोहमार्ग पुलिस को सौंप दिया गया। उक्त कार्रवाई वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन में पीआई आरएल मीना, एसएसआई सीताराम जाट, बात्री, दुलगज, जनार्दन आदि द्वारा पूरी की गई। नागपुर जिला ग्रामीण शिवसेना जिला अध्यक्ष संदीप वसंतराव इटकेलवार ने 13 अगस्त को नागपुर सुधार प्रन्यास के ट्रस्टी के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर सांसद कृपल तुमाने व विधायक आशीष जायसवाल ने इटकेलवार को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शिवसेना के पदाधिकारी सन्मित्र मंडल और लायंस क्लब ऑफ नागपुर के सदस्य उपस्थित थे। सभी पदाधिकारियों ने इस अवसर पर इटकेलवार को शुभकामनाएं दी। धर्मपेट परिसर में अपनी ड्यूटी पर साइकिल से जा रहे एक व्यक्ति के हाथ से उसका मोबाइल एक ऑटो में सवार होकर आए युवक द्वारा जबरदस्ती छीनकर फरार हो गए थे। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी नरेश विनायक उमाले डॉक्टर आम्बेडकर नगर बुद्ध विहार के पास धर्मपेट निवासी हर दिन की तरह अपने काम पर साइकिल से जा रहा था। उसी दौरान आकाशवाणी बस स्टॉप के सामने से आ रहे एक ऑटो में सवार 20 से 30 वर्षीय अज्ञात आरोपी ने फरियादी के करीब आकर उसके हाथ से एक
सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन छीना और ऑटो चालक ने ऑटो की गति बढ़ा दी। इसकी शिकायत फरियादी ने पुलिस से की थी। क्राइम ब्रांच के सेनमार विरोधी पथक ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल के टावर लोकेशन के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों के पास से चोरी हुआ मोबाइल सहित इस आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग किया गया और ऑटो सहित करीब 1,10,000 का माल बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में आदित्य उर्फ विकास गब्बर यादव डेकोरेशन के पास बारसी नगर बानखेड़ा, सुमित परशुराम गौर लांजेवार के घर किराए से गांधी पुतला के पास गंजीपेट निवासी को गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही को डीसीपी गजानन राजमाने के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक प्रशांत अनछत्रे, पुलिस उपनिरीक्षक झांडोकर, सिपाही शंकर शुक्ला, पुलिस हवलदार आनंद काले, नंदकिशोर शिंदे, पंकज हेडौ, रोहित काले, नरेश देशमातुरे और आशीष पवार ने मिलकर अंजाम दिया है। महामेट्रो देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी अमृत महोत्सव के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विशेष महत्व है, क्योंकि यह वर्ष देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के स्वर्ण युग की शुरुआत का प्रतीक है। इस महापूर्ण बिंदु को ध्यान में रखते हुए महामेट्रो ने इस वर्ष इस संबंध में पूरी योजना बनाई है। इसके तहत महामेट्रो के स्टेशनों पर लाइटिंग की प्रकृति त्रिकोणीय होगी। महत्वपूर्ण रूप से महामेट्रो ने इस साल की शुरुआत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसी तरह की प्रकाश व्यवस्था स्थापित की थी। मेट्रो भवन में महामेट्रो स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। इसी सिलसिले में महामेट्रो ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से बैंड परफॉर्मेंस का आयोजन किया है। खास बात यह है कि शुक्रवार 13 अगस्त से बैंड बजना शुरू हो गया और पहले दिन सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर बैंड बजा। इस प्रकार का बैंड 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर छत्रपति नगर मेट्रो स्टेशन पर बज रहा है। सीआरपीएफ बैंड 15 अगस्त को सीतामढ़ी इंटरचेंज पर भी प्रस्तुति देगा। आज सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर टीम ने देशभक्ति गीतों पर आधारित विभिन्न धुनों पर प्रस्तुति दी। अगले 2 दिनों में इसी तरह के गीतों पर विभिन्न धुनें भी होगी। इसके अलावा शहर में सुर संगम नामक सुप्रसिद्ध समूह द्वारा देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम भी मनाया जाएगा। यह समूह सीतामढ़ी इंटरचेंज पर देश के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित गीतों की प्रस्तुति देगा। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए सीतामढ़ी इंटरचेंज पर भी विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे। महामेट्रो ने नागपुर के लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले आयोजन का लाभ उठाने की अपील की है। इसी विषय पर मेट्रो स्टेशन पर सेल्फी पॉइंट भी होगा। अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर बहुत समाज पार्टी दक्षिण पश्चिम नागपुर विधानसभा के अध्यक्ष सदानंद जामगड़े ने पार्टी के राज्य कार्यालय सचिव उत्तम शेवड़े की उपस्थिति में धंतुली स्थित उनके स्मृति हॉल में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर नागपुर जिला सचिव मुकेश मेश्राम, अभिलेश वाहने, प्रकाश फुले, मध्य नागपुर के अध्यक्ष प्रवीण पाटिल, परेश जामगड़े, ओम प्रकाश शिवाले, युवा नेता चंद्रशेखर कामले उपस्थित थे। अहिल्याबाई मूल रूप से अहमदनगर जिले के शिंदे परिवार से थी, लेकिन शादी और पति की मृत्यु के बाद उन्होंने 28 साल तक अपने राज्य पर शासन किया। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका शहर में विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों को शुरू कर रही है। आज़ादी 75 की अवधारणा के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 15 अगस्त को शाम 6 बजे लकड़गंज में शंकर नगर उद्यान, दिगोरी दहन घाट के पास सेनापति नगर उद्यान और महाड़ा कॉलोनी उद्यान में 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी एक पत्रकार वार्ता में महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि होंगे। सांसद डॉ. विकास महात्मे के अलावा विधायक नागो गानार, गिरीश व्यास, प्रवीण दटके, अभिजीत वंजारी, कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, मोहन मते, विकास ठाकरे, उप महापौर मनीषा धावड़े, स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर, सत्तारूढ़ दल के नेता अविनाश ठाकरे, विपक्षी दल के नेता तानाजी वनवे, मंडपा आयुक्त राधाकृष्णन बी की प्रमुख उपस्थिति रही। महापौर ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अवधारणा के अनुसार बिजली उत्पादन के लिए मंडपा द्वारा अपशिष्ट जल का उपचार और आपूर्ति की जा रही है। इस प्रोजेक्ट से मंडपा को राजस्व प्राप्त हो रहा है। कुछ साल पहले सत्ता पक्ष के नेता अविनाश ठाकरे के वार्ड में उज्जवल नगर उद्यान में ऐसा SCTP स्थापित किया गया। स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष विजय झलके ने शहर में 12 परकों के तहत एक मिनी SCTP स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की थी।
उनकी पहल के बाद शहर के 12 अलग अलग पार्कों के नीचे बहने वाले नालों पर छोटे छोटे सीवेज प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर संबंधित ठेकेदार द्वारा शहर में 3 SETP का निर्माण पूरा कर लिया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। पिछले दिनों कुख्यात मोहसिन खान का अपराधी मुशफिक खान से ताजबाग में विवाद होने के बाद मेयो चौक के पास मुशफिक ने मोहसिन पर फायरिंग कर दी थी। इस सिलसिले में तहसील पुलिस ने मोहम्मद मुशफिक खान उर्फ मुस्सा मोहम्मद, शकील खान निवासी रजा टाउन, कामटी कामरान नकीब उर्फ कम्मू अशफक अहमद निवासी मोमिनपुरा, सैयद इमरान उर्फ इम्मा सैयद जमील निवासी टिमकी 3 खम्बा तथा अल्ताफ मिर्जा इकबाल बेग मिर्जा निवासी तकिया धंतोली को हिरासत में लिया है। उनका जावेद खान नामक साथी फरार है। बता दें कि 9 अगस्त की तड़के 5:19 पर मुशफिक खान ने पिस्तौल से फायरिंग कर मोहसिन खान को गंभीर जख्मी कर दिया था। दोनों के बीच काफी समय से रंजिश चल रही थी। दोनों अपराधी हैं। कई मर्तबा दोनों गुट ने एक दूसरे पर हमला भी किया था। 4 दिन पहले दोनों के बीच वाहन का शीशा फोड़ने पर मारपीट हुई थी। 8 अगस्त की देर रात दोनों अपने साथियों के साथ ताजबाग में आए थे। तड़के 3 बजे उनके बीच जमकर पिटाई हुई। ताजबाग में मौजूद लोगों ने उन्हें परिसर से बाहर कर दिया। इसके बाद मोहसिन साथियों सहित वापस आ गया। मुशफिक और उसके साथी भी कार से मोहसिन का पीछा करते हुए बजेरिया पहुंचे। मोहसिन ने गीतांजलि चौक में बाइक पार्क की थी। वह बाइक पर सवार होकर जैसे ही जाने लगा मुशफिक ने पिस्तौल से गोली दाग दी। उसका इरादा मोहसिन की हत्या का ही था, लेकिन निशाना चूक जाने से वह बच गया। मुशफिक से पिस्तौल तथा कारतूस बरामद की गई है। यह कार्रवाई PI DCP लोहित मतानी, PI जयेश भांडारकर, API संदीप बागुल, PSI स्वप्निल वाघ, SSI संजय दुबे, सिपाही अनिल चतुर्वेदी, प्रशांत चचाने, प्रदीप सोनटक्के, अनंत नान्हे, रंजीत बावने, पुरुषोत्तम जगनाड़े तथा मुकुंद वारे ने की। डेंगू की रोकथाम के उपायों के तहत नगर निगम द्वारा शहर में जोनल सर्वे किया जा रहा है। शुक्रवार को शहर में 7512 घरों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें से 279 घरों में डेंगू के लार्वा पाए गए। इसके अलावा 79 बुखार के मरीज मिले। 23 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। 1155 सर्वेक्षण के दौरान घरों में लगे कूलर का निरीक्षण किया। इसमें कूलरों में मच्छर पाए गए। निगम की टीम द्वारा कूलर खाली कर दिए गए। 470 कूलर में 1% टेमीफोस गोल डाला गया। हनुमान नगर क्षेत्र में वार्ड नंबर 34 के अंतर्गत शेष नगर क्षेत्र में पाइपलाइन का कार्य तत्काल प्रारंभ करें। ऐसे निर्देश नागपुर महानगर पालिका के स्थापत्य और परियोजना विशेष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सोनकुसरे ने दिए हैं। स्थापत्य समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सोनकुसरे ने शेष नगर क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का विशेष प्रयास किया। पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस एक ही क्षेत्र में 2 लाइनों पर काम लंबित था। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को तुरंत काम पूरा करने के निर्देश दिए। नागपुर मनपा के NDS दल ने शुक्रवार को 3 दुकानों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई कर उनसे 40,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। टीम ने 51 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालय का निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देश के अनुसार यह ऑपरेशन वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में जोन के खोजी दस्तों द्वारा चलाया गया। कला क्षेत्र में अग्रणी विदर्भ के सुपरिचित मूर्ति शिल्पकार अभय घुसे ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रध्वज कला शिल्प को सुंदर रूप साकार किया है। इस कलाकृति को उन्होंने जगमग इंडिया नाम दिया है। यह शिल्प कलाकृति समाजसेवी डॉक्टर गिरीश गांधी के वनराई फाउंडेशन के लिए विशेष तौर से निर्माण किया गया है। राष्ट्रध्वज कला शिल्प में आभूषण के साथ रत्न भी जड़वाए गए हैं। श्री जलाराम सत्संग मंडल द्वारा श्रावण मास के प्रारंभ में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। इस अभिषेक के यजमान देवबाला बेन तन्ना थे। यश एवं जानवी तन्ना द्वारा पूजन किया गया। इस अवसर पर राजेश खक्कर, विनोद नागरेचा, रोहित सेजपाल, कमलेश लाखानी, भरत सादरानी, अतुल राजदेव, प्रफुल राजा, राजेश वसानी उपस्थित थे। पूजन आचार्य धनश्याम द्वारा किया गया। उत्सव समिति के नीलेश मजीठिया ने बताया कि सावन मास में शिव मंदिर में विविध धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जाता है। श्रावण माह में नागपंचमी पर्व को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सिंधी समाज में इसे गोगड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को शहर के समस्त सिंधी समाज बंधुओं ने जरीपटका, शांतिनगर, खामला में सादगी से अपने घरों में मनाया। इस दिन समस्त समाज बंधुओं ने चूल्हे को विराम दिया। एक दिन पूर्व ही पका हुआ भोजन भगवान भोलेनाथ व नाग देवता को भोग लगाकर ग्रहण किया। इस अवसर पर शांतिनगर कॉलोनी में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, पूजन व आरती की गई। पूजन विधि पंडित सुनील महाराज ने संपन्न करवाई।
अफरोह संस्था की ओर से विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे को उनके नागपुर आगमन पर निवेदन सौंपा गया। निवेदन में कर्मचारियों की समस्या से संबंधित कुछ मुद्दे उपस्थित किए गए हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के बाद उपसभापति नीलम गोरे ने जल्द ही यह विषय दोनों सदनों में रखकर सभी के साथ चर्चा करके यह मांगों को जल्द हल करने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर दामोदर खड़गी, सुनीता गुजर, अनुदा वैद, दिलीप भानुसे, विजय पौनीकर, बीसीकर, डेकाटे, देशकर आदि उपस्थित थे। मानस रत्न से विभूषित विंदे पीठाधीश्वर बाल योगी संत संजय महाराज का शहर में आगमन हुआ। मानस ममर्ग संत संजय महाराज राजेश पांडे के निवास स्थान इंद्रप्रस्थ सोसाइटी वालंबी नगर नागपुर में विराजमान है। उनके नगरागमन पर उनकी अगवानी अखिल विश्व सरयू पारिन ब्राह्मण महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नारायण मिश्र, महामंत्री राजेश पांडे, कोषाध्यक्ष रविन्द्र पांडे तथा उनके परिवार के सभी गणमान्य सदस्यों ने की। संत का कुछ दिनों तक गोस्वामी तुलसीदास कृत श्रीमान चरित मानस पर समुपदेशन जारी रहेगा। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय नागपुर की NSS यूनिट की छात्रों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नागपुर विद्यापीठ द्वारा आयोजित जागरूकता रैली में प्राध्यापक डॉक्टर तनुजा राजपूत के साथ 13 छात्राओं ने सहभाग किया। शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 8 छात्राओं ने सहभाग किया। डॉक्टर मीना बाल पांडे ने इस क्रीड़ा प्रतिस्पर्धा को संपन्न किया। इसी के साथ कैरम प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। सभी प्राध्यापिकाओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।